साइबर सिटी गुरुग्राम के सदर बाजार में दिन दहाड़े हुई भाजपा नेता की हत्या मामले में गुरुग्राम पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है। गुरुग्राम पुलिस ने हत्या की वारदात में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गुरुग्राम पुलिस ने इस आरोपी को डीएलएफ फेस वन इलाके से गिरफ्तार किया। दरअसल बीती 1 सितंबर को दिन दहाड़े सोहना मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन सुखबीर और फसुखी की 5 बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों की पहचान की तो पता चला कि मृतक के साले ने ही पूरी वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी पहचान चमन के रूप में की गई है। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने इसी मामले में 22 वर्षीय आरोपी योगेश को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी योगेश ने बताया कि चमन के कहने पर ही उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस की तफ्तीश में ये भी सामने आया कि आरोपी योगेश की बहन के साथ गांव में रहने वाले एक युवक ने छेड़छाड़ की थी, जिस रंजिश में वो उस युवक को मौत के घाट उतारना चाहता था और इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात चमन से हुई। लेकिन चमन ने पहले सुखबीर को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई और उसके बाद उस युवक को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई थी। दिनांक 1/9/2022 को सदर बाजार के इलाके में रेमंड के एक जो कपड़े का शोरूम था, वहाँ सुखबीर कटाना नाम के व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में हमने सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उसमें जो जानकारी मिली उसमें उसका एक रिश्तेदार उसमें शामिल था और उसके और अन्य साथी उसमें शामिल थे, जिसके संबंध में हमारी क्राइम टीम सेक्टर 31 में काम करते हुए उसमें एक जो प्रमुख भूमिका निभाने वाला आरोपी जिसका नाम योगेश उर्फ सिल्लू है, जो 22 साल का है और राजस्थान का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इससे पूछताछ करने पर पता चला है कि इसने बताया ये जो मृतक का साला था चमन, उसके दोस्त था ये और उसके कहने से ये इस हत्याकांड में शामिल हुआ है और उसने इसको इस बात के लिए उकसा के अपने साथ लिया था और ये उसके साथ इसलिए शामिल हुआ कि इसके गांव में इसकी बहन के साथ किसी ने छेड़खानी की थी और ये उसका बदला लेने के लिए उस आदमी को मारना चाह रहा था। तो इससे ये कमिटमेंट की गई थी कि पहले तू हमारे इस केस में शामिल होगा, उसके बाद हम जाके तेरा बदला लेंगे। ये जब तक कोई इस तरह का एक्ट कर पाते उससे पहले ही हमने इसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। कल हमने इसको गिरफ्तार किया है, आज इसको कोर्ट में पेश करके हम इसका पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं और इसमें जो अन्य आरोपियां हैं उनकी गर्मजोशी के साथ तलाश जारी है और मुझे उम्मीद है बहुत जल्द बाकी आरोपियों को भी हम गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे। इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। आपको बता दें कि इस पूरे हत्याकांड में 5 आरोपी शामिल थे। हालांकि पुलिस ने अभी एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस मुख्य आरोपी चमन तक कब तक पहुंचती है और इस हत्याकांड की गुत्थी को कब तक सुलझा पाती है। गुरुग्राम से अनुज पंचाल, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।